हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू द चैनल आज हम लोग लेसन नंबर फोर पॉइंट फाइव करेंगे टाइटल इज द ओल्ड मैन एंड द सी इट्स अ बुक रिव्यू ओके इट्स अ बुक रिव्यू इट इज नॉट द एंटायर स्टोरी इसमें बुक का समरी होगा तो कैसे बुक रिव्यू लिखा जाता है आपको यहाँ देखना है ठीक है पेयरअप विथ योर पार्टनर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको खुद से आंसर करना है ओके तो विच एनिमल वुड यू रिलेट टू योर सेल्फ एंड यू रिलेट योर सेफ्फ टू एंड वाई आप किस जानवर से अपने आप को रिलेट करेंगे आपको कौन सा जानवर पसंद है आप अपने आपको कौन से जानवर के समान समझते हो एक्चुअली इसके लिए तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है मैं आई वुड नॉट रिलेट माई सेल्फ टू एनी एनिमल क्योंकि हमको परमेश्वर ने खास बनाया है इंसान वाई शुड वी ट्राई टू गो लो है ना हम क्यों जानवर जैसे बन जाए हा? तो मैं आई डोंट रिलेट माई सेल्फ टू एनी एनिमल ओके तो इफ यू रिलेट यूर सेल्फ प्लीज राइट इट डू यू हैव अ हीरो और अ रोल मॉडल टू लुक अप टू हु इज योर शी येस आई हैव अ हीरो माई माई जीसस माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माई गॉड एंड माई लॉर्ड आई लुक अप टू माई गॉड हुस अगर एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कोई भी दुनिया के हीरो मत बनाओ भाई जो भी आपके जो हीरो हीरोइन जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में है ये लोग सबकी लाइफ बहुत ही बेकार लाइफ है मतलब आप उनके बारे में जानेंगे तो आप पता नहीं आप आ, कभी दोबारा कोई मूवी भी नहीं देखेंगे दे आर स, आ, सच पीपल तो किसी भी हीरो हीरोइन को अपना दुनिया के हीरो हीरोइन को ये जो स्टार्स है सो कॉल्ड स्टार्स इन लोगों को अपना रोल मॉडल मत बनाइए कभी रोल मॉडल अगर किसी को बनाना है तो कोई साइंटिस्ट को देखिए कोई अच्छे आदमी को देखिए जिसने दुनिया के लिए कुछ किया है कुछ वैल्यूएबल किया है अपने एक्टर्स क्या करते हैं सिर्फ किसी और की एक्टिंग करके मूवी बनाते हैं और वो कमा के बैठते हैं है कि नहीं हम लोग हमारा फोकस शुड बी हायर देन दैट तो मेरे लिए मेरा रोल मॉडल है माई जीसस क्योंकि वो ही वॉज गॉड तो उनका जो लाइफ उन्होंने जो जिंदगी जो धरती में जी थी वो इतनी सिनलेस और इतनी शुद्ध लाइफ थी कि आई वुड लाइदर फॉलो जीसस डू यू हैव अ पैशन यू वुड फाइट फॉर वाई आप किसी चीज के लिए आप लड़ने के लिए तैयार है हा? वो क्या चीज है और क्यों ठीक है वो सोचिए वॉट इज मैंट बायू रिव्यू रिव्यू का मतलब क्या है वो पूछो रिव्यू का मतलब क्या है रिव्यू जैसे आपके सपोज आपके लाइफ में कोई इंसिडेंस हुई है अभी आप बैठ के सोच रहे हैं पीछे कि मेरे साथ जो हुआ था वो क्या हुआ था क्यों हुआ था उसको हम रिव्यू कर रहे हैं ना फिर से सोच रहे हैं उसके बारे में उसको रिव्यू बोलते हैं हैव यू एवर रेड एनी बुक रिव्यू आपने कोई बुक रिव्यू पढ़ी है क्या कभी हम लोग यूजअली जो बुक के पीछे जो पढ़ते हैं ना समरी टाइप वो भी एक टाइप का रिव्यू है इफ यस विच वन इफ नो मेक इट अ पॉइंट टू रीड वन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक दो पढ़िए मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस नावल्स ऑफ नॉवल्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग वे टू आर गिवन टू यू मिंग वे जिसने ये बुक लिखी है उसने और भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं तो उसके बुक्स के नाम बताने तो मैंने आपको लिख के दिया है द सन ऑल्सो राइजेस टू हैव एंड टू हैव नॉट एंड हैव नॉट आईलैंड इन द स्ट्रीम अक्रॉस द रिवर एंड इन टू द ट्रीज ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका ठीक है अभी ये आप इंटरनेट से खुद फाइंड किए फेमस अमेरिकन नॉवेल एक तो अर्नस्ट हेमिंग वे है और पांच चार आप फाइंड आउट कीजिए चलो अभी हम बुक रिव्यू की तरफ जाते थे ओल्ड मैन एंड द सी ओके okay, लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग ने ये बुक और ये है एक बुक रिव्यू एन ओल्ड मैन एंड एक्सपीरियंस्ड क्यूबन फिशरमैन वॉज अजन ऑफ टेरिबल बैड लक एंड इजल टू कैच एनी फिश फॉर एटी फोर डेज अब ये बुक रिव्यू कैसे लिख रहा है देखो आपको ध्यान देना है ये बुक का पढ़ने के बाद उसने ये बुक के बारे में लिखा है कि वो स्टोरी क्या था और उसका ऑथर का क्या एक्सपीरियंस था और मतलब ऑथर का भी बैकग्राउंड थोड़ा दिया है तो अब देखिए क्या क्या मेन मेन यूज हो रहा है तो एक तो बुक के स्टोरी का समरी है इधर एक एक्सपीरियंस्ड और बुड्ढा प्यूबन फिशरमैन था जिसको एक दिन वो बहुत एक्सपीरियंस भी था मतलब तो उसने बहुत पकड़ा भी था लेकिन बीच में उसको एक बहुत ही बुरा टाइम आया था जिसमें वो बिल्कुल पकड़ ही नहीं पा रहा था कुछ भी कितने दिन 84 डेज के लिए वो कुछ भी पकड़ नहीं पाया हिस यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस मैनोलिन हैज बीन फोर्ड माइस पेरेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग विद अनदर फिशरमैन उसके साथ जो अप्रेंटिस था मतलब द पर्सन फॉर अनदर इन ऑर्डर टू लर्न ट्रेड है ना अप्रेंटिस उनको बोलते हैं जो जाके कुछ सीखने के लिए नया ट्रेनिंग जो करते हैं ना उसको अप्रेंटिस बोलते तो एक मैनुअलिन करके एक लड़का था जो इसका अप्रेंटिस था लेकिन अभी इतने दिन से ये क्यूबन फिशरमैन कुछ मच्छी पकड़ ही नहीं रहा था उसके पेरेंट्स परेशान होकर बोले तुम दूसरे कोई फिशरमैन के साथ जाके काम करने लगो द ओल्ड मैन रिजोल्स टू सेल आउट फार्दर देन ऑल दी अदर फिशरमैन अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश तो ये बुड्ढा बोलता है अभी मैं सब जितने भी फिशरमैन उसके और आगे जाऊंगा समंदर में और वहां पर मैं सबसे बड़ा फिश पकड़ने की कोशिश करूंगा ऑन दी सक्सिड बेट बट द मार्लिन इज टू स्ट्रॉग फॉर हिम एंड स्टार्ट पुलिंग द बोट ठीक है एटी फिफ्थ डे में फाइनली वो एक मार्लिन एक बहुत बड़ा मच्छी है अ लार्ज सॉल्ट वाटर फिश विद एन एलोंगेटेड बॉडी एंड एसर लाइक स्नौट वो इसको हुक कर लेता है मतलब वो उसके हुक में पकड़ा जाता है लेकिन मार्लिन बहुत बड़ा है और ताकतवर भी है और वो बोट को पुल करने लगता है द ओल्ड मैन एंड सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड इज लेटर बैटल शार्क्स तो ये जो स्टोरी है ओल्ड मैन एंड सी है है उसके उसमें स्टोरी क्या अबाउट द ओल्ड मैन स्ट्रगल मतलब उसने वो मार्लिन के साथ कितना स्ट्रगल किया और बाद में शार्क्स ने भी अटैक किया वो फिश को भी और उसको भी तो कैसे उसने एक्सपीरियंस किया वो स्टोरी है ये बुक अभी सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये कब लिखा गया था किसने लिखा उसके बारे में हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैवीली ऑन इज ओन लाइफ तो ये जो स्टोरी जो हेमिंग uh, ने लिखी है वो एक असली स्टोरी पे बेस्ड है और वो थोड़ा बहुत उसके लाइफ से भी रिलेटेड है ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वाटर्स एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वॉज ऑल्सो ए फैन ऑफ बेसबॉल ठीक है तो ये भी एक फिशरमैन था और ये भी बहुत एक्सपीरियंस था और वो वो बुढ्ढे आदमी के जैसे ये भी बेसबॉल का एक फैन था ही वर्क फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वॉज इंजोर्ड बाय ही नेलबॉज इन इटली तो उसने रेड क्रॉस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के साथ काम किया था और उसको भी चोट लगी थी श्रेपनल क्या होता है स्मॉल पीस ऑफ मेटल दैट फ्लाई ड्यूरिंग एन एक्सप्लोशन ऑफ अ बॉम्ब वेपन टू हर्ट पीपल जो बॉम्ब वॉम्ब बनाते हैं ना उसमें छोटे छोटे मेटल के पीसेस डालते हैं और उसमें क्या होता है जब बॉम्ब एक्सप्लोर होता है वो तो छोटे छोटे पीसेस बहुत तेजी से जाके लोगों पर घुस जाते हैं और उनको कई बार मार देते हैं गलत जगह घुस तो इसको भी बहुत इंजुरी हुआ था उससे है मिंग ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड कैन हेल्प वो विन इन दिस स्ट्रगल तो वो इस बुक में न एक स्ट्रगल के बारे में बात करता है जिससे हमें हराना चाहिए हुँ? और द, uh, मौत को भी हराने की कोशिश करना चाहिए मतलब तो हमें हार नहीं मानना चाहिए जिससे हम ये स्ट्रगल को जीत सकते है दी ओल्ड मैन इज एट दी एंड ऑफ द नावल वेरी नियर डेथ जब नॉवल खत्म हो रही है तब स्टोरी में ये बुढ़ा बहुत ही पास है करीब है मरने के बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिस् सफरिंग एंड लॉस ज लेकिन वो मरने के एकदम करीब था लेकिन फिर भी उसका जो स्टोरी है उससे लोगों को बहुत ताकत मिलती है उससे उसका मेमोरी भी आ, हमेशा के लिए अमर हो गया अल्टीमेटली स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्राइम बिकॉज स्टेल्स ऑफ हज लाइफ विल ऑन इवन आफ्टर हिसोरी चाहे वो मर भी जाए लेकिन इट विल अबाउट हाउ ही स्ट्रगल्ड एंड ट्राइड हिज बेस्ट ना it is about that the novel was published in 1952 when people were trying to recover from the you know the public for the 1952 में, जब लोग ना वो वर्ल्ड war के जो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसके उसके इफेक्ट से वो लोग जस्ट निकल रहे थे तब ये स्टोरी पब्लिश हुआ था और ये जो इस तो एंड अल्टीमेट ट्राइम का जो स्टोरी था इसमें जिसना वो बुड्ढे ने सफर किया और सहा और जीता उसका इट इमीडिएटली स्ट्रक कॉर्ड विद रीडर्स जब ये रीडर्स ने पढ़ा तो उन लोगों ने अपने आप से वो रिलेट किया और बोला कि यार मेरे को हमको बहुत एक रिलेट uh, हो रहा है मतलब वी आर एबल टू रिलेट टू दिस स्टोरी और राइटिंग स्टाइल लिखने का स्टाइल कैसा है सिंपल एंड पिथी पिथी का मतलब क्या है पिथी मतलब ब्रीफ यानी कि मतलब पिथी मतलब ब्रीफ एंड फुल ऑफ फिगर छोटा लेकिन पूरा जोश का है तो सिंपल है सिंपल भी और पीथी भी है ही मोस्टली राइट इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस इन एक्सट्रीम इकोनॉमी इन यूज ऑफ वर्ड्स वो छोटे छोटे और सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में लिखता है और ज्यादा शब्द नहीं यूज करता दिस सिंपलिसिटी इज डिसेप्टिव एंड ए रीडर कैन रीड इज वर्क अगेन एंड अगेन एंड फाइनल न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग एवरी टाइम तो हर बार जब उसका स्टोरी पढ़ोगे तो आपको नया मीनिंग मिलेगा ऐसा लगता है कि छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस है लेकिन जितना आप जितनी बार पढ़ोगे तो हर बार आपको एक नया मीनिंग मिलता है अभी ये जो जिसने ये बुक रिव्यू लिखा है उसने अपना थॉट्स लिखा है माई थॉट्स आई फर्स्ट रेड दिस नॉवल ईअर्स अगो वेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल एंड लेफ्ट अन इम्प्रेस्ड वो बोल रहा है कि ये नॉवल मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ी थी तब मुझे इस नॉवल से कुछ फर्क नहीं गिरा इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेन विद मी एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ स्ट्रेंथ उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा स्टोरी पढ़ के लेकिन उसके माइंड में एक इमेज रह गया कि एक बुढ्ढा आदमी एक बड़े मच्छी को एक फिशिंग लाइन से पकड़ के अपने पूरे ताकत से पकड़ के रखा था रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूड अभी बहुत टाइम के बाद उसने अभी रिसेंटली एक बार यह बुक को दोबारा पढ़ा और इस बार उसको बुक से बहुत असर गिर गया उसका मन एकदम बहल गया द फर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ दैन कैरेक्टर वो आदमी का जो स्ट्रेंथ था कैरेक्टर स्ट्रेंथ द्वाइट डिवोशन ऑफ दटिक मेनोलिन एम्पेथेटिक मेनोलिन वो लड़का जो भी उसने उसको छोड़ा नहीं वो लड़के के माँ बाप ने उसको बहुत बार बोला की तुम छोड़ के जाओ दूसरे फिशरमैन के साथ लेकिन वो गया नहीं एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर हार्ट ओमन वो ओल्ड मैन और मैनोलिन के बीच का रिश्ता भी बहुत ही दिल को बहलाने वाला था हाईवेमेज डिस्क्रिप्शन सी एंड द क्रीचर्स ऑफ द वॉटर आर ब्यूटिफुल और जिस तरीके सेमिंग वे ने ज, um, समंदर को डिस्क्राइब किया है और वो सी क्रीचर्स को डिस्क्राइब किया है जो डॉल जो सॉरी शार्क्स और मैनोलिन वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है द मार्लिन फाइट फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आर सिंपथी शुड लाइ विद ओल्ड मैन और विदार वो क्या बोल रहा है वो मार्लिन जो फिश है उसने भी अपने लाइफ के लिए बहुत जोर से लड़ा दोनों ने अपने लाइफ के लिए लड़ा ओल्ड मैन ने भी इसने भी फिर बोल रहा है अभी ये स्टोरी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि किसके ऊपर दया करें ओल्ड मैन के ऊपर की मार्लिन के ऊपर बट एज नोवल प्रोग्रेस इज द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इनसेपरेबली लिंक्ड बिकॉज बोथ स्टैंड फॉर द सेम आइडियल दैट इज अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन तो दोनों का गोल वही था कि दोनों कैसे भी जीते हारे ना है ना ओके सो दैट इज द एंड ऑफ द बुक रिव्यू अभी हम इंग्लिश वर्कशॉप करते हैं ये है रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस कौन था मैनोलिन है ना द प्लेस वेर हैमिंग वे हेड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वॉटर्स दैट विच हैमिंग वे वॉज बाय ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर श्रेपनेर लैंग्वेज ऑफ द नॉवल सिंपल एंड पिथी इन इज फर्स्ट रीडिंग द रिव्यू राइटर वॉज लेफ्ट अन इम्प्रेस्ड बाय दर्नेस्ट हेमिंग वे बी ने भी सुसाइड कर लिया मालूम है आपको इसका जो ओल्ड मैन ऑफ द सी का जो ऑथर <coughs> है कमिटेड सुसाइड इसका मतलब क्या है हम अपने ताकत से जब स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे तो हम ज्यादातर जीत नहीं पाते क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स वी नीड हेल्प फ्रॉम गॉड वी नीड करेज जो होप एंड फेथ सब चीज मिला के ही हम दुनिया में जीत पा सकते हैं नहीं तो हम अपने बलबूते ज्यादा टाइम तक नहीं लास्ट कर पाते देखो अर्नेस्ट हेम के पास क्या कमी थी कुछ नहीं था इतना फेमस नॉवलिस्ट था सब था उसने इतनी सुंदर सुंदर स्टोरी लिखी दूसरों को एनकरेज किया लेकिन अपने आप को एनकरेज नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया तो आप में से भी अगर बहुत सारे बच्चे जिनके मन में बहुत बार ऐसे डिप्रेशन और ये सब आता है कभी भी डिप्रेस नहीं होने का यार लाइफ में लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज तो अगर आप कभी मुसीबत में पढ़ते हो तो मैं तो जब मैं मुसीबत में आती हूँ तो मैं तो यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ बोलती हुँ, हे यीशु मुझे मदद कर हे प्रभु यीशु मुझे मदद करो तो ऐसे आप अगर आप भी करोगे तो आपको भी दिल में शांति मिलेगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं तो जिस जो आपसे प्रेम करता है उससे ही तो आप मदद मांग सकते हैं ना जब तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम भी जब अगर ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मुझे नहीं जीना है तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना यू हैव टू लिव अगर आप डरपोक पोक हो ना तभी आप जाके सुसाइड के बारे में सोचोगे और आगे बढ़ोगे इफ यू आर ब्रेव यू विल नेवर थिंक ऑफ सुसाइड सुसाइड इज नॉट द आंसर दू एनी ओनली ब्रिंग मोर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ किसको तुम तो चले गए लेकिन तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर दुखी रहेंगे तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे नेबर्स तुम्हारे दोस्त कितने लोगों को तुम इफेक्ट करके जाते हो तो दैट इज वॉट दैट इज फ्योर डरपोक लोग सुसाइड करते हैं मैं सच बता रही हूँ तुम लोगों को जो अगर तुम ब्रेव हो तो यू विल फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ दुनिया में लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टी आए आप ब्रेवली सफर करोगे क्यों क्योंकि वो डिफिकल्टी एक दिन चली जाएगी ये थिंग्स चेंज हर रोज थोड़ी ना संडे रहता है हर रोज थोड़ी ना मंडे रहता है है ना हर दिन अलग है हर दिन सूरज उगता है हर दिन सूरज डूबता है लेकिन हर दिन अलग है हर दिन आप पेड़ में नए पत्ते दुखोगे हर दिन नए फूल उगते हैं है ना तो स्ट्रगल थोड़े टाइम के लिए हमारे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स है लेकिन वी बिलीव एंड ट्रस्ट ड जीस विल हेल्पअस तो आप भी अगर किसी तकलीफ में हो तो प्रे करो एंड यू विल फाइंड हेल्प एंड रिलीफ ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू करेक्ट देंटेंस इज यूजिंग फैक्ट फ्रॉम द रिव्यू मैरोलिन पेरेंट्स ये गलत दिया आपको सही करना है मैरोलिन पेरेंट्स इंसिस्टेड ऑन इज वर्किंग विद ओल्ड फिशरमैन नहीं दे इंसिस्टेड ऑन वर्किंग विद अनदर फिशरमैन दिस नॉवल इज प्योर फिक्शन नो दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स आपको ऐसे लगाना है निकालना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड मैन एंड मैन इन इज कोर्स या गुड इट इज हार्ट वार्मिंग ना लास्ट सेंटेंस लास्ट में लिखा है लास्ट पैराग्राफ में तो दिस निकाल के हार्ट वार्मिंग करना ओके नाओ पॉइंट्स यू वुड यूज फॉर अ बुक रिव्यू विद दो प्ले एंड राइट इन अटब बुक आप प्ले के लिए क्या पॉइंट यूज करेंगे ये प्ले के लिए यूल यूज ब्रीफ समरी ऑफ प्ले एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्वालिटी एनालिसिस ऑफ स्टेजिंग एक्टिंग डायरेक्टिंग एक्सेट्रा और आप बुक रिव्यू के लिए शॉर्ट समरी बैकग्राउंड इन फॉर ऑथर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी एंड बैकग्राउंड इनफॉफ टॉपिक एंड इवेल्युएशन ऑफ कंटेंट ठीक है The line I first read this novel years ago when I did not understand it at all and was left unimpressed jo line hai, tells us about the book reviewer's opinion about the book. Reviewer ke opinion. Ke bare mein bata Complete the following sentences using the expressions In my opinion, every hard working person achieves success in life. I strongly feel that when life seems toughest, the battle is near the end. I wish I could be as brave as the old man in the story. As far as I know you, you are a very patient and hardworking person. I think we should all be like the old man and strive till the end. Yes? Okay. Now this you have to do on your own. Okay? Now the review mentions struggles of both the writer, Ernest Hemingway and the old man. Fill the incidents of struggle of Hemingway in table A and those of old man in table B. The Ernest Hemingway author और ओल्ड मैन स्टोरी का कैरेक्टर है दोनों के बीच में क्या स्ट्रगल्स थे उनके हमको लिखना है मतलब उनके लाइफ के तो अर्नेस्ट टेमे के बारे में हम लोग आगे फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं ना ही बाय सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन ही डिजीजेस वो एक हेवी ड्रिंकर था बहुत दारू पीता था ओल्ड मैन ही वॉज अनएबल टू कैच फिश फॉर एटी फोर डेज हुक्स मार्लिन बट द फिश इज टू बिग बैटल्स अगेंस्ट शार्क्स एंड ही लूजेज द मार्लिन नाउ रीड द टेक्स्ट अगेन यू विल फाइंड That the text contains many मेनी फ्रेजेस मैच phrases in इन ए विद meanings इन बी बाद में सेंटेंस बनाने की कोशिश करो रन ऑफ टेरिबल बैड लक अ पीरियड ऑफ टाइम वेन बैड थिंग्स आप बोल सकते हो आई हैड रन ऑफ टेरिबल बैड लक दिस ईयर है मतलब आप लिख सकते हो जैसे ड्रॉजली ऑन इंस्टेंसेज फ्रॉम रियल लाइफ स्ट्रक अड यानी कि हिट ऑन अ टॉपिक ऐसा स्ट्रक अड शी स्ट्रक अ कॉर्ड विथ दोएम यानी कि किसी चीज के बोलने से किसी को कुछ मतलब कुछ फर्क गया मतलब कुछ uh, समझ में आया इन स्पाइट ऑफ विदाउट बींग एफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर फैक्टर होल्डिंग ऑन एंड योर इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांस ये तो ईजी आप सेंटेंस बनाओ रीराइट एस डायरेक्टेड विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग इन योर नोटबुक हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स अभी आपको इसको अंडरलाइन एडजेक्टिव टू एन एडजेक्टिवल क्लॉज तो आप लिख सकते हो हेमिंग वेज नॉवल इज बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट आर रियल हेवी नॉवल्स या तो आर ये नॉवल ऐसा हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट आर रियल देन हीस मार्लिन बट द मार टू स्ट्रांग फॉर हिम रे राइट यूजिंग ऑल दो बिगिनिंग विद ऑल दो ऑल दो ही हुन इट वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम the reader can read his work again and again and find new layers of meaning begin the sentence with on reading on reading the book again and again the reader can find new layers of meaning as the novel progresses the old man and the marlin are inseparably linked you write rewrite using progress as a noun as we progress through the novel we find that the old man and the marlin are inseparably linked

रूट वर्ड लिखना मतलब ओरिजिनल जो वर्ड है उसके आगे आप पीछे कुछ भी डालना है ठीक है तो अनेबल का आएगा डिटर्मिन अनएबल काम्प्रेस तो आप अगर ये रूट वर्ड है इसको आप इम्प्रेस्ड भी बोल सकते हैं अन भी बोल सकते हैं ना तो आई हैव टू राइट द रूट वर्ड मतलब बेसिक वर्ड इनसेपरेबली सेपरेट ब्यूटिफुल ब्यूटी एंड्योरेंस एंड्योर रिलेशनशिप रिलेट एम्पैथेटिक एम्पैथी सिंप्लिसिटी सिंपल ओके okay, अभी आपको एक बुक रिव्यू लिखना है अपने आप से आपको ऑलरेडी पॉइंट है और आपके पास एक सैम्पल बुक रिव्यू आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो वो देख के आपको कोई भी एक छोटा मोटा बुक पढ़ के उसको एक आ, बुक रिव्यू लिखिए स्टोरी लाइन सोशल और हिस्टोरिकल कंटेंट राइटिंग स्टाइल एंड माई थॉट नाउ यू नो दसेंशियल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर अ बुक रिव्यू नाउ फॉर्म पेयर एंड फाइंड एसेंशियल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर अ प्ले रिव्यू एंड फिल्म रिव्यू मैंने आपको प्ले रिव्यू के लिए आंसर दिया था तो फिल्म रिव्यू के लिए भी निकालिए न टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर लाइब्री और इंटरनेट इंटरनेट का यूज कीजिए मैंने ऑलरेडी आपको प्ले का रिव्यू का पॉइंट्स बताया था और उसमें एड करके बेसिकली तीन चार पॉइंट्स ये ज्यादा कुछ नहीं ओके okay? इसके साथ आपका क्लास खत्म ये लेसन खत्म होता है ओके? स्टडी वेल